हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और नए साल का आप सभी को साल मुबारक, और जो मुझसे बड़े हैं उसको मेरा प्रणाम। तो दोस्तों आज मैं आपको इस तरह का हैंडबैग की जो डिज़ाइन है वो बनाना सिखाऊंगा। तो मैं उसके ऊपर मैंने जो यहाँ डिज़ाइन बनाई है वो बनाकर दिखाऊंगा। और इसके अंदर मैंने ऐसा पर्स बनाया है, ऐसा बैग बनाया है। तो इस तरह का बैग का वीडियो तो मैंने बनाया है अगले वीडियो। तो मैं अभी ये डिज़ाइन ऊपर की जो डिज़ाइन है वही बनाकर दिखाऊंगा आपको। और ये जो ऊपर का जो पूरा बैग है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वीडियो उसकी लिंक मैंने उसके अंदर दे दी है। तो अब मैं पहले उसका फर्मा बना लेता हूँ। तो उसका माप मैंने यहाँ 12 इंच का लिया है और इधर मैंने 15 इंच का लिया है। और अब इस फर्मे को हम इस तरह से फॉल कर देंगे। हम यहाँ से 3 इंच पे मार्क कर देंगे, यहाँ 3 इंच पे यहाँ मार्क कर देंगे। तो यहाँ मैं 2.75 इंच पे मार्क कर दूंगा, यहाँ मार्क कर देना है। और यहाँ हमें 2 इंच पे मार्क कर देना है। और अब हम यहाँ से सीधा निशान कर लेंगे। और यहाँ ऊपर की साइड थोड़ा राउंड शेप दे देंगे। और अब यहाँ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ नीचे की साइड भी थोड़ा राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से ये मैंने फर्मा का निशान कर लिया है। और अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, हमने जो निशान किया है वहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है, यहाँ से यहाँ राउंड शेप में। और अब हमने यहाँ ऊपर की साइड राउंड शेप दिया है, वहाँ से हम इस तरह का थोड़ा राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ ऊपर की साइड ऐसे राउंड में हम निशान कर लेंगे। और अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है पहले। और उसके अंदर मैं एक इस तरह का गोल्डन फैब्रिक लगाऊंगा। तो हमने जो अस्तर का कटिंग किया है तो यहाँ बाहर का भाग है और यहाँ अंदर का हिस्सा है। तो यहाँ पहले हम सिलाई नहीं करेंगे, यहाँ बाहर की साइड है वहाँ सिलाई करेंगे हम। यहाँ थोड़ा हम सिलाई का छोड़ देंगे। और इसी तरीके से हम यहाँ दूसरा अस्तर लगा देंगे।
पर अब हमें यहाँ से ये सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे और हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। दोनों तरफ हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। और ये अंदर का भाग है, वहाँ हमने सिलाई नहीं की है, तो यहाँ हम थोड़ा राउंड है इसलिए यहाँ कट कर लेंगे। और यहाँ इस तरह से फॉल करके हम यहाँ सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ बाहर की साड़ी वहाँ हमें इसी तरह से रख, तो सेम इसी तरीके से दोनों हमें अस्तर लगा देना है। कटिंग किया था उसको भी हम ये गोल्डन फैब्रिक लगा देंगे, तो इसको भी हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे, हम बाहर की साड़ी सिलाई करेंगे। और अब हमें यहाँ ऊपर की साड़ी है यहाँ सिलाई कर देनी है, यहाँ फोल्ड करके। तो उसके अंदर मैं एक ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लगाऊंगा, तरीके का फरमा कटिंग किया था उसी फरमे से हम यहाँ कटिंग करेंगे एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक का, इस तरह रख कर और यहाँ निशान कर लेंगे। तो हम थोड़ा सिलाई का छोड़ देंगे यहाँ से यहाँ सिलाई का, और अब बाद में हम कटिंग कर लेंगे, यहाँ निशान कर लेंगे, थोड़ा सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे, बाद में हम सिलाई कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक कटिंग कर लिया है। और अब हमने ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक कटिंग किया है उसके ऊपर ये जो हमने फर्मा का कटिंग किया था, तो हमने यहाँ सिलाई का छोड़ दिया था थोड़ा मार्जिन। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो फर्मा है उसी के ऊपर ही हमें सिलाई एक निशान कर देना है फर्मे के बराबर।
तो उसके अंदर मैं एक ऐसी दोरी डालूंगा और ऊपर की साइड ये लेस पट्टी लगाऊंगा। और अब यहाँ हमने जो फर्मा का निशान किया है वहाँ हम ये फर्मा रख देंगे, ये ऊपर का हिस्सा, और यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। और साथ में मैं ये पाइपिंग भी लगा दूंगा। अब हमें ये पार्ट यहाँ लगा देना है, हमने जो निशान किया है उसके ऊपर निशान मिला लेंगे, यहाँ से सिलाई करेंगे और साथ में पाइपिंग भी लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आगे का पार्ट तैयार कर लिया है और उसका माप यहाँ 15 आया है और यहाँ उसका माप 12 इंच आया है। और अब हम यहाँ अस्तर लेंगे, उसके ऊपर ये रबर शीट लगा दूंगा मैं। और आपके पास रबर शीट नहीं है तो आप फोम शीट भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद।